गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग द चैप्टर ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसमें हमने जैसे ज्यादा पोर्शन खत्म किया, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, स्टार्ट ऑफ मर्चेंडाइज, नाउ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, फिर हमने पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ा, मोस्ट नोन जो उनके बारे में, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति की शुरुआत आरंभ कैसे हुई उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्शिप ऑफ सर्टन डेइटीज होती है, देवी देवता, विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, गेन्ड इन इम्पोर्टेंस। ये वो समय था जब हिंदुइज्म में भक्ति काल का आरंभ होना शुरू हो गया और इस तरह से धीरे धीरे इसकी ये धर्म में अपने स्थान बनाने लगा भक्ति। दीज डीटीज इंक्लूडेड शिवा, इन देवी देवताओं में सबसे पहले शिव, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा की भक्ति लोगों ने प्रारंभ करना शुरू कर दिया। दीज डीटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति, इन देवी देवताओं की पूजा वो करने लगे भक्ति के द्वारा, एंड आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर, जो आज तक प्रचलन में है कि भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। एट दिस टाइम भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज ओन चूजन डेटी। भक्ति का अर्थ है अपने भगवान के प्रति ध्यान मग्न होना, उसकी निरंतर पूजा करना, जो भी उसका इष्ट देव होता है। अपने ओन डेटी मीन्स उसका इष्ट देव होता है, वो अपने मन से किसी भी देवी देवता को चुनता है। जैसे कोई शिव का उपासक होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई दुर्गा माता की पूजा करता रहता है, तो ये भक्ति की डेफिनेशन है। एनी बॉडी वेदर रिच और पुअर, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, मैन और वुमन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। कोई भी व्यक्ति हो, धनी हो, निर्धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या वो किसी भी वर्ग जाति से संबंध रखता हो, वो भक्ति का पथ अपना सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, और इसका सबसे पहले आइडिया जो हुआ है शुरू वो भगवद गीता में दिया है कि भगवान ने खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में अर्पण कर दो, साथ में कर्म भी करते रहो। ए सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज भगवद गीता, जो कि हिंदुओं की धार्मिक बुक है, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत, जो जिसका हम महाभारत में जिक्र देखते हैं, सी चैप्टर 11, कृष्ण के जब त्रेता युग में कृष्ण आए थे तो वो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, उसके बाद महाभारत का युद्ध समाप्त होता है। इन दिस कृष्ण द गॉड आस्क अर्जुन, अर्जुन जो उसका शिष्य और मित्र भी होता है, हिज डिवोटी एंड हिज फ्रेंड, जिसने अपना सारा जीवन उसी को दिया होता है अर्पण, उसका मित्र होता है, टू अबेंडन ऑल धर्म एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, उसने उसको बोला कि तुम अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए गीता का ज्ञान दिया था, तब जाके उसने अपने ही भाइयों के साथ युद्ध करके धर्म की स्थापना की थी। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इविल, उसने उसको ये ज्ञान दिया ताकि उसके मन में कोई भी संदेह न रहे, कोई भी बुराई न रहे। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली सेपरेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, धीरे धीरे भगवद गीता का प्रचार पूरे देश में होने लगा। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज्ड डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप, जो भक्ति को ज्यादा करने लगे वो अपना सारा जीवन अपने देवी या देवी के उपासना में लगाने, रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इलाबोरेट सेक्रीफाइसेस, वो यज्ञ वगैरह जो बाकी सेक्रीफाइसेस होती है, यज्ञ वगैरह, उनको छोड़ के सारा जीवन अपना पूजा अर्चना में लगाने लगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इस मत के अनुसार, इफ ए डिवोटी वर्शिप्स द चूजन डेटी विद अ प्योर हार्ट, द डेटी विल अपियर इन द फॉर्म इन विच ही और शी मे डिजायर। इसके भक्ति के अनुसार अगर कोई भी अपना सारा जीवन वो सच्चे मन से अपने इष्ट देव की साधना करता है तो वो उसके सामने आएगी और उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। सो द डेटी कुड बी थॉट ऑफ एज ए ह्यूमन बीइंग, वो उसके सामने इंसान की शक्ल के रूप में आएगी, लॉ एंट्री और एनी अदर फॉर्म, किसी भी सूरत में आके उसकी मन इच्छा पूरी कर सकती है। वंस हिज आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ दीज डेटीज, धीरे धीरे जब भक्ति का रूप लागे तो बाकी आर्टिस्ट ने इस स्वाकार रूप को मूर्तियों का रूप देने लगे। पहले जो उससे भक्ति काल से पहले लोग निराकार भगवान की पूजा करते थे, जिसमें कोई आकार नहीं होता था भगवान का, भक्ति में देवी देवताओं की धीरे धीरे जो इमेजिनेशन से
आर्टिस्ट्स ने इनको मूर्ति का रूप दे दिया बिकॉज दीज डेटीज वर स्पेशल, क्योंकि ये स्पेशल थी, खास थी। दीज इमेजेस ऑफ डेटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन द स्पेशल होम्स, फिर वो अपने घरों में उसकी मूर्ति स्थापना करने लगे, चित्र बनाने लगे, दैट वी डिस्क्राइब्ड एज टेम्पल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज टेम्पल्स इन चैप्टर, आगे वाले चैप्टर में इन टेम्पल्स के बारे में, इन मंदिरों में, इन स्पेशल होम्स को मंदिरों का नाम दिया जाने लगा। भक्ति इंस्पायर सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री, एंड भक्ति का विस्तार किया गया है पोइट्री के द्वारा, स्कल्पचर्स के द्वारा, इसके बारे में और बताया गया है। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस, इंडिया की तरह ही हिंदू वर्ड भी इंडस रिवर से उत्पन्न हुआ है। इट वॉज यूज बाय अरब्स एंड इरानियंस टू रेफर टू द पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, ये ईरानियों द्वारा और अरब के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था जो कि पूर्व के दिशा में रहते थे इस रिवर को, एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ्स, और वो जो भी अपनी प्रैक्टिस कल्चर की करते थे, संस्कृति और धर्म की, उनके अनुसार इनको हिंदू कहते थे अरब और ईरानी के लोग। इस तरह से ये वर्ड प्रचलन में आया। तो दिस वाज अबाउट द चैप्टर, हमने पढ़ा सेपरेट ऑफ भक्ति, इसमें सेपरेट ऑफ बुद्धिज्म, डिस्कवरी ऑफ सिल्क रूट एंड स्टार्ट ऑफ मर्चेंडाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।